अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आई एम ऑल्सो गुड। आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल है, बिकॉज इन दिस वीडियो मैं आपके लिए एक इंस्टेंट ग्लो वाला फेस मास्क लेकर आई हूँ। और ये मास्क जो है आपके फेस को इंस्टेंट ग्लो, ब्राइटनेस और वाइटनेस देगा, जो कि हम सबकी नीड होती है और हमें सबको जो है पसंद होता है। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ईद भी नज़दीक है और हमारे बहुत से ख़वातीन और मर्द हज़रात जो है वो अब घर के कामों में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि अपने आप को पैम्पर नहीं कर पाते, अपने आप को ग्रूम नहीं कर सकते। तो ये मास्क जो है, अगर आप घर बैठे यूज़ करेंगे तो आपको एज अ फेशियल ये काम करेगा और आपको पार्लर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतने पैसे खर्च करने की भी कोई ज़रूरत नहीं, और ना इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स जो हम ख़रीदते हैं उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये घर बैठे ये मास्क, नेचुरल मास्क जो है आपको आप बना सकते हैं, और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। विदाउट साइड इफ़ेक्ट ये मास्क है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और इसे यूज़ करके आपको फ़ौरन इसका रिज़ल्ट मिलेगा, और ये गारंटेड मास्क है। और इस मास्क में हम जो है दो तरह के मास्क बनाने वाले हैं, एक ड्राई स्किन के लिए और एक ऑयली स्किन के लिए। जो कि जिनके ऑयली स्किन है वो ऑयली मास्क यूज़ कर सकता है, और जिनके ड्राई स्किन है वो ड्राई मास्क यूज़ करेगा। तो इसमें हमें दोनों तरह के मास्क बनाना सिखाऊंगी। तो बगैर वक्त ज़्यादा कि हम वीडियो की तरफ चलते हैं, उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो मिलते रहे। तो चलिए वीडियो की तरफ। सो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले जो है हम ड्राई स्किन मास्क बनाने वाले हैं, और उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी वो आपके सामने है, जिसमें से सबसे पहले हमारे पास है लेमन, और उसके बाद है शहद, कोकोनट ऑयल, रॉ मिल्क और मुल्तानी मिट्टी। तो चलें सबसे पहले हम ड्राई स्किन मास्क बनाते हैं। तो गाइस चलें शुरू करते हैं ड्राई स्किन मास्क। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम ले रहे हैं मुल्तानी मिट्टी 2 टीस्पून, 2 टीस्पून मुल्तानी मिट्टी। उसके बाद यहाँ पे मिल्क जो है आपने कंसिस्टेंसी के हिसाब से लेनी है, यहाँ पे मैं 3 to 4 स्पून ले रही हूँ, टीस्पून। अगर इससे ज़्यादा आपका जो है कंसिस्टेंसी के लिहाज से आपने यूज़ करना है, यहाँ मैंने 3 to 5 स्पून यूज़ कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ लेमन मैंने यूज़ किया है 1/2 लेमन। के बाद हम यूज़ करने वाले हैं कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जो है आप यूज़ करेंगे 1 टीस्पून। और इसके बाद लास्ट इंग्रेडिएंट हमारा हनी है, अब हम हनी यूज़ करने लगे हैं। हनी आपने लेना है 1/2 टीस्पून। के बाद इसे अच्छे से मिक्स करें। ये हमारा ड्राई स्किन मास्क रेडी है। तो गाइस नेक्स्ट हम बनाने वाले हैं मास्क फॉर ऑयली स्किन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्रेडिएंट्स बहुत सिंपल हैं। लेमन हम यूज करने वाले हैं, रोज वाटर और मुल्तानी मिट्टी। तो चलिए जल्दी से हम बनाते हैं मास्क। तो चलिए हम बनाते हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले लेंगे मुल्तानी मिट्टी, अगेन 2 टीस्पून। उसके बाद आपने लेना है लेमन, अगेन 1/2 लेमन। और यहाँ पर अब आपने लेना है रोज वाटर। रोज वाटर जो है आपने क्वांटिटी जो है अपने हिसाब से कंसिस्टेंसी के लिहाज से डालना है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून रोज वाटर। आपने अपने मास्क की थिकनेस इतनी रखनी है कि ना कि वो आपके फेस से गिरे और ना इतना ज़्यादा हार्ड हो जाए कि वो लगना मुश्किल हो जाए। ओके, दैट्स इट, वी हैव डन।
सो गाइज हेयर वी गो विद आवर मास्क। मेरी ड्राई स्किन है तो मैं ड्राई स्किन मास्क यूज़ करने वाली हूँ। अगर आपकी ऑयली है तो आप ऑयली यूज़ करेंगे, ड्राई यूज़ करेंगे तो इट्स अप टू यू। और ये हम लगाने लगे हैं ड्राई स्किन मास्क। हमें इसे जेंटली अपने फेस पे स्प्रेड करना है। ये एंटी एजिंग मास्क है, आप इसे ग्लोइंग फेस के लिए भी यूज करते हैं। इंस्टेंट अगर आपको ग्लो चाहिए तो दिस मास्क इज बेस्ट। तो आपके फेस को इंस्टेंट ग्लो देगा, वाइट करेगा और जितने भी आपके जितने भी पोर्स ओपन पोर्स हैं उन सबको भी क्लोज करने वाला है ये मास्क। तो गाइस हमारा मास्क लग चुका है, इसे आपने 15 मिनट्स के लिए रखना है। देन यू हैव टू रिंस इट ऑफ विथ नॉर्मल वाटर। अगर आप इसे ठंडे पानी से धोएंगे तो और भी अच्छा है, अगर नॉर्मल पानी से धोएंगे तो कोई बात नहीं, आप वो भी कर सकते हैं। तो चलिए 15 मिनट्स बाद मिलते हैं।